दोस्तों चील दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक है, जो कि अफ्रीका और यूरेशिया के मूल निवासी हैं। इस चील के पास बड़ा सिर, तेज नजर, लंबी चोंच और खतरनाक पंजे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से दबोच लेते हैं। इनके घोंसले इतनी ऊंचाइयों पर होते हैं कि किसी भी इंसान का वहां तक पहुँच पाना मुश्किल होता है। अगर बात करें इनके आहार की, तो इनके आहार में सभी प्रकार के मांस शामिल होते हैं, जिसे ये बड़े मजे से खाना पसंद करते हैं। और बात करें इनके प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनके लगभग 60 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चील का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा चील अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, और इस दौरान ये अपना अंडा देने के लिए एक सुरक्षित स्थान का चुनाव करती है। आपको बता दूं कि ये चील दूसरे पक्षियों की तरह हर साल नया घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ये साल दर साल अपने पुराने घोंसलों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही इनके अंडे देने का समय आ जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। ये चील एक बार में 2 से 4 अंडे दे देती है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये लगभग 40 दिनों तक उसे सेने का कार्य करती है, जो कि जलवायु और तापमान के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही 40 से 50 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद इनके अंडों में हलचल होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि कभी भी अंदर पल रहे बच्चे अंडे की परत को तोड़कर बाहर आ सकते हैं। जिसके बाद वो समय आ जाता है जब ये बच्चे अंडे की परत को तोड़कर बाहर निकलना शुरू करते हैं, और इस समय इनका वजन 80 से 90 ग्राम तक होता है। तो जैसे ही ये अंडे से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये नवजात बच्चे पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं, जिसके बाद ये मादा अपने बच्चों की पूरी देखभाल और उनके भोजन का पूरा ख्याल रखती है। और इस तरह ये 10 से 12 हफ्तों तक अपने घोंसले में अपने माता पिता के साथ बने रहते हैं। इस समय अवधि के दौरान धीरे धीरे इनके शरीर के अंग विकसित होने लगते हैं, और ये इतने बड़े और काबिल हो जाते हैं कि ये अपने शिकार की तलाश खुद कर सकते हैं और अपने घोंसले से दूर अकेले उड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक और महीने तक ये अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में रहते हैं। तो जैसे ही 4 महीनों का समय पूरा हो जाता है, तो ये बच्चे अपना घोंसला छोड़ देते हैं। उसके बाद इन्हें अपने जीवन में जिंदा रहने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें इन्हें अपने शिकार के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से चील मर जाते हैं, और जो जिंदा बच पाते हैं वो अपने जीवन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। और इस तरह ये लगभग 2 से 3 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और जैसे ही ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, उसके बाद इनके सिर और गर्दन पर शानदार बाल विकसित हो जाते हैं, और इनकी नजरें भी तेज और तीखी हो जाती हैं। साथ ही इनका पंख 7 फीट यानी 2 मीटर तक लंबा हो जाता है, और इनका वजन लगभग 9 से 10 किलोग्राम तक होता है, और इस समय इसका आकार 28 से 40 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इस चील के आहार में मुख्य रूप से मछली और छोटे मोटे स्तनधारी जीव शामिल होते हैं, जिसमें चूहे, मेंढक, छिपकली और हिरण साथ ही जंगली जीव शामिल होते हैं। ये चील अपने वजन का लगभग 5 से 10% तक भोजन खा जाते हैं, जिसके कारण इसे लगातार भोजन तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही इनके मिलन का मौसम आता है, तो ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से यह जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो एक सामान्य चील का जीवन काल लगभग 30 वर्षों का होता है, जो इनकी प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और ततैया का जन्म कैसे होता है, जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।